हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियर लीग के एक मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बीच। तो मैनचेस्टर सिटी आप जानते होंगे प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट क्लब है, करेंटली ये टाइटल रेस में चल रहे हैं जहाँ पर सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल की एक बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट चल रही है उस टाइटल के लिए। फिलहाल सिटी थर्ड स्पॉट में है, लेकिन जो आर्सेनल और लिवरपूल टॉप टू में है वो सिटी से बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, सब में एक एक दो दो पॉइंट का गैप है। तो एक मैच भी यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस मेकर हो सकता है। इस वजह से जितने भी बचे हुए मैचेस हैं, अगर सिटी को वापस से टाइटल जीतना है तो सभी एक तरीके से उनके लिए डू और डाई वाले होने वाले हैं, क्योंकि किसी एक में भी पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो बाकी जो दो टीम्स रेस में है, लिवरपूल आर्सेनल, वो उसका फ़ायदा उठा के आगे निकल सकती है। फिलहाल 30 मैचेस सिटी ने खेले हैं जिसमें 67 उनके पॉइंट हैं, 67 उन्होंने गोल स्कोर किए लेकिन सिर्फ 29 गोल कंसीड किए। वहीं पैलेस एक एवरेज मिड टेबल की टीम है, डिसेंट सा उनका परफॉर्मेंस रहा है। ऑल दो अभी बीच में पैलेस में एक मैनेजर चेंज हुए थे और जब से वो न्यू मैनेजर आए थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जरूर आई है, बट स्टिल बहुत अच्छा अभी भी नहीं किया है। 14th में है, 30 मैचेस में सिर्फ 30 पॉइंट है, 34 गोल स्कोर किए और 50 गोल उन्होंने कंसीड किए हैं। तो इस मैच में ऑल दो मैच पैलेस के घर में, थोड़ी बहुत हार्ड फाइट पैलेस दे सकती है, बट सिटी इस मैच को जीतने के लिए क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है। तो अभी के लिए स्मॉल लीग में हम मैन सिटी को ही बैक करते हुए अपनी टीम बनाने वाले हैं। अब गाइस, सबसे मेन चीज, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आए थे डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे और पहले स्टार्ट करते हैं फेवरेट्स मैन सिटी से। तो ये फेवरेट हैं, अभी मैं इनके मैक्सिमम यानी कि मैं 7 प्लेयर सिटी के पिक करने वाला हूँ। तो मैन सिटी की प्रोबेबल 11 पर नज़र डालते हैं। स्टीवन ओर्टेगा इनके गोलकीपर होने वाले हैं, जो इनके सेकंड चॉइस गोलकीपर है। अब अगर एडरसन फिट हुए तो वो खेलेंगे, नहीं तो रूमर्स है कि ओर्टेगा स्टार्ट करने वाले हैं। 4 इनके डिफेंडर हैं, रिको लुइस, अकेंजी, डियास और गॉडियोल। अभी के लिए रिको लुइस मिडफील्ड सेक्शन में लिस्टेड है क्योंकि ये इन्वर्ट करते हैं। बाकी आपको 3 डिफेंडर अकेंजी, डियास और गॉडियोल डिफेंस सेक्शन में मिलेंगे। तो इस मैच में अच्छा क्लीन शीट का चांस है सिटी का, तो मैं मैक्सिमम डिफेंडर सिटी के ले रहा हूँ और फिलहाल के लिए मैं तीनों ही डिफेंडर अकेंजी, डियास और गॉडियोल को पिक करके चल रहा हूँ। बट कोई एक और एक्स्ट्रा अटैकिंग प्लेयर ले आना चाहता है, उस केस में भी आप दो डिफेंडर पिक कर रहे हैं, तब आप चाहे तो डियास गॉडियोल में किसी एक को ड्रॉप करके एक और एक्स्ट्रा अटैकिंग मिडफील्डर ले आ सकते हैं। बट अभी के लिए मैं तीनों ही डिफेंडर लेके मैं सेफ गया हूँ और मैं अकेंजी, डियास और गॉडियोल को लेके गया हूँ। मिडफील्ड में मेरी नंबर वन चॉइस रॉड्री है। रॉड्री बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर में काउंट होते हैं। बिना गोल असिस्ट के इनके हर एक मैच में लगभग 30-35 गारंटीड पॉइंट आते हैं और ये बीच बीच में रेगुलर गोल असिस्ट भी सीएन कर रहे हैं, तो मैं रॉड्री को गारंटीड पिक करूंगा। अभी के लिए मैं रिको लुइस को अपनी टीम में एडजस्ट नहीं कर पाया, मिडफील्ड में मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी मैं अगर डिब्रुइने स्टार्ट करें उनको पिक करूंगा, मस्ट पिक है, कभी भी गोल असिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फोडन और अर्लिंग हालैंड को भी गारंटीड पिक करूंगा। फोडन बताने की जरूरत नहीं है, रिसेंटली रेड हॉट फॉर्म में है, बहुत तगड़ी फॉर्म में है, लास्ट मैच में हैट्रिक मार के आ रहे हैं, इनफैक्ट हालैंड से भी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फोडन मस्ट पिक है और हालैंड ऐसे प्लेयर है, ऑल दो लास्ट 2-3 मैचेस में इनका गोल नहीं आया, लेकिन ये ऐसे प्लेयर है दिन होगा इजिली हैट्रिक मार सकते हैं और पेनल्टी टेकर भी है, और लास्ट मैच में इन्होंने खेला भी नहीं था, इस मैच में वेल रेस्टेड होंगे, तो मैं यहाँ पे हालैंड को भी गारंटीड पिक करूंगा लॉन्ग साइड फोडन। बाकी अभी के लिए मैं ग्रिलिश को एडजस्ट नहीं कर पाया और इन्होंने कुछ ज़्यादा खास भी नहीं किया, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बर्नार्डो सिल्वा आपके लिए शोली एक ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपको लगता है अच्छा करेंगे, एक बीच बीच में गोल असिस्ट कर देते हैं, ऑल दो पिछले 2-3 मैचेस से क्वाइट हैं बट केपेबल हैं गोल असिस्ट करने में, तो आप सिंपली पीछे से एक डिफेंडर हटा के डियास या गॉडियोल में किसी एक को हटा के मिडफील्ड में बर्नार्डो सिल्वा को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी टीम में बर्नार्डो सिल्वा को भी पिक नहीं कर रहा। तो ये मैन सिटी की 11 थी। अभी मैंने टोटल 7 प्लेयर यहाँ से पिक किया, मैं 3 डिफेंडर ले गया, अकेंजी, डियास और गॉडियोल, इसके अलावा मैं रॉड्री, फोडन, डिब्रुइने और अर्लिंग हालैंड को पिक करके गया हूँ। बाकी चेंज मैंने बता दिया है कि आप बर्नार्डो सिल्वा को अपनी टीम में एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो पेनल्टी है इनकी हालैंड ही लेते हैं और ये अभी तक के सिटी के सीएन के स्टैट है प्रीमियर लीग के, आप ये स्टैट देख सकते हो। अपोनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड दिलाऊंगा, इस मैच की फाइनल टीम में अपडेट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपोनेंट पैलेस की। तो हेंडरसन होने वाले इनके गोलकीपर, अभी के लिए मैं गोलकीपर इनके पिक करूंगा पैलेस के, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अटैक सिटी करेगी तो पैलेस के गोलकीपर हमें अच्छे खासे सेफ करके दे सकते हैं। तो मेरे गोलकीपर डीन हेंडरसन है। बैक 3 पैलेस खेलती है जब से न्यू मैनेजर आए, जिसमें जोल वार्ट,
वाकिम एंडरसन और लर्मा जो कि डीएमएफ है, लेकिन इस मैच में मोस्ट प्रॉब्ली सेंटर बैक खेलेंगे, ये तीन इनके सेंटर बैक होंगे। इसके अलावा डेनियल मुनियोज और तारिक मिचेल इनके दो विंग बैक्स है, और इन पांच में से लर्मा हटा के जो बाकी चारों डिफेंडर है वो चारों आपको डिफेंस सेक्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल इनके डिफेंस में मुझे एक बहुत स्टैंडर्ड ऑप्शन नजर आ रहा था, तो मैं एक डिफेंडर ले आ रहा हूँ, वो है इनका न्यू साइनिंग जनवरी में ही आए राइट विंग बैक मुनियोज। रिसेंटली जितने भी मौके मिले उन्होंने डिफेंस वाइज बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया, और ये प्लेयर अटैकिंग वाइज भी अच्छा है, तो मैं अभी मुनियोज ले रहा हूँ। अगर आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है तो हाकिम एंडरसन मिचेल ये दोनों भी डिसेंट ऑप्शन है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ मुनियोज ले रहा हूँ और मैं बाकी तीनों डिफेंडर को इग्नोर कर रहा हूँ। लर्मा इनको भी फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मिडफील्ड में लिस्टेड है लेकिन डिफेंसिव पॉइंट आ सकते हैं, बट अभी मैं इनको भी इग्नोर कर रहा हूँ। और मैं फिलहाल वार्टन और हुस को भी इग्नोर कर रहा हूँ, ऑल्दो एडम वार्टन भी इनकी न्यू साइनिंग थी जनवरी में, और जब से आए अच्छा गया है, बहुत टैकलिंग इंटरसेप्शन के पॉइंट दे सकते हैं। तो अगर आप श्योर है पैलेस क्लीन शीट नहीं रख स्कोर नहीं करेगी तो आप जो मैं अटैकर मटेटा ले रहा हूँ उनके वाले प्लेस में मिडफील्ड में वार्टन ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं वार्टन ह्यूज लर्मा तीनों को इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी जो मिडफील्ड में मेरी नंबर वन चॉइस है वो है एब्रेजी एजी, जो मेरे अकॉर्डिंग पैलेस का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। ये प्लेयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस प्रोड्यूस कर सकता है, अपने दम पे कोई भी मैच को टर्न कर सकता है, गोल असिस्ट चांस क्रिएट कॉर्नर फ्री किक हर चीज़ एजी लेगा, और इनमें और मटेटा में कोई एक पेनल्टी भी लेगा, तो एजी मस्ट पिक है। फिलहाल मैं आयु को अभी के लिए पिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिसेंट परफॉर्मेंस किया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। मैं अभी के लिए बाकी फॉरवर्ड में मटेटा भी ले गया क्योंकि पैलेस एट होम है, और सिटी ऑल्दो डिफेंसिव सॉलिड है लेकिन इस सीजन वो गोल लीक कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और मटेटा की रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है जब से न्यू मैनेजर आए, तो मैं अभी के लिए मटेटा को लेके गया हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली इनमें और एजी में 50-50 चांस है पेनल्टी का, इस वजह से मैं मटेटा को ले आ रहा हूँ। बट अगर आप श्योर है पैलेस स्कोर नहीं करेंगे यहाँ पे, तो आप सिंपली मटेटा हटा के वार्टन या लर्मा में किसी एक को मिडफील्ड में ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं मटेटा को भी लेके गया हूँ। तो ये क्रिस्टल पैलेस की 11 थी। अभी मैंने टोटल 4 प्लेयर यहाँ से पिक किए, मैं गोलकीपर ले गया, इसके अलावा मैं मुनियोज एजी और मटेटा को पिक करके गया हूँ। बाकी ये अभी तक के पैलेस के सीएन के स्टैट है प्रीमियर लीग के, आप ये स्टैट देख सकते हो। अब आ जाते हैं मेरी इस मैच की प्रिडिक्शन में, तो मैं एक क्लियर कट 3-0 या 3-1 मैन सिटी विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर सैम जॉन्स्टन मैंने गलती से ले लिया, हेंडरसन जॉन्स्टन में जो भी पैलेस का गोलकीपर खेलेगा वो मेरा गोलकीपर होगा। एक मैंने पैलेस का डिफेंडर लिया मुनियोज, तीन में सिटी के डिफेंडर ले गया अकेंजी गोडियोल और डियास। अब आप मुनियोज वाले प्लेस में चाहे तो हुआकिम एंडरसन या तारिक मिचेल में किसी को ले सकते हो। बाकी मिडफील्ड में मैंने रॉड्री डी ब्रुइना फोडन लिया सिटी से, पैलेस से मैंने एजे लिया, और फॉरवर्ड में मैंने हालैंड और पैलेस का मैंने टॉप स्कोरर मटेटा को पिक किया है। अब आप चेंज यहाँ पे ये कर सकते हैं, अगर आपको बर्नार्डो सिल्वा एडजस्ट करना है मिडफील्ड में, आपको लग रहा है उनका अच्छा दिन होगा, गोल असिस्ट में कंट्रीब्यूशन आ सकता है, तो आप डिफेंस में गॉडियोल या डियास में किसी एक को हटा के बर्नार्डो सिल्वा ले सकते हो। दूसरा, अगर आप शोर है पैलेस स्कोर नहीं करेगी तो आप मटेटा हटा के मिडफील्ड में एडम वार्टन या जेफरसन लर्मा में किसी एक को पिक करके चल सकते हो। फिलहाल कैप्टनसी में हालैंड, वीसी में फोडन को कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में फोडन है, अगर आप हालैंड के बदले उनको कैप्टन करके हालैंड को वीसी करते हैं तो भी यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं होगा, आप दोनों में से किसी को भी सीवीसी कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं हालैंड पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे कैप्टन हालैंड और वाइस कैप्टन फोडन है। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी, अपडेटेड जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए।